हेलो दोस्तों, मैं मोइन खान आपका स्वागत करता हूं तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 6.2 की। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने बात करी थी 6.1 की, लेक्चर हमने बात करी थी जो कि प्रॉपर मैंने क्वेश्चन 1 to 5 क्वेश्चन आपको बताया था, प्रॉपर बेसिक बताया था और कुछ हमने फॉर्मूले बताए थे। तो वो फॉर्मूले जरूर आप प्रॉपर, उम्मीद करते हैं आज आपने प्रॉपर उसको एक बार और देखा होगा ढंग से, यानी कि रोज पर डे पढ़े जब तक आप चैप्टर चल रहा तब तक लगातार आप देखते रहिएगा। बस आपको कल रोज उठ के देखना ही इसको, ठीक है, याद करने के बाद ठीक है, मतलब प्रॉपर जाके लर्न कर रहे हैं। रोज सुबह देखिए फिर उसके बाद उस पर क्वेश्चन लगाइएगा, अपने आप से वो याद हो जाएंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में याद करने का एकदम से मतलब क्या है, आप कहीं ना कहीं भूलेंगे, लेकिन रोज अब देखेंगे तो चीज़ें हमेशा फैमिलियर रह जाएंगे, तो चीज़ें हमेशा याद रहती रहेंगी, है ना, क्योंकि आपको तो बोर्ड एग्जाम तक याद रखना है। तो आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर उसी के अकॉर्डिंग लगना है जो कल जो आपको लास्ट टाइम में जो रूल बताया गया था उसी के अकॉर्डिंग यहाँ बात करनी है। आपको क्या लिखा हुआ है, एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रही है। ठीक है, अब बढ़ रही है मतलब वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और क्या बढ़ रहे हैं, वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या क्या होती है r, ठीक है, और कितना बढ़ रही है सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि जो त्रिज्या होगी वो कहीं ना कहीं क्या होगी dr by dt होगा। r सेंटीमीटर का हो गया, टाइम t का हो गया, कितना हो गया 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आपको दे रखा है। तो इसके परिधि की वृद्धि, यानी इसकी परिधि की वृद्धि की दर क्या है, यानी परिधि क्या होती है, सी से लिखते हैं, यानी कि सर्कमफेरेंस लिखते हैं हम लोग, हमको निकालना है वृद्धि निकालना है। और ये जब ये टी में दे रखा है तो ये भी हमको टी में ही निकालना पड़ेगा, हमको ये निकालना पड़ेगा। अब हमको पता है वृद्धि की परिधि कितनी होती है, 2πr होती है। ठीक है, इसको अब किसी अब सिंपल से डी सी बाई डी टी निकाला तो इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, तो यहाँ कितना आएगा डी सी बाई, ये आपका डी टी हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 2π हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कितना डी आर बाई डी टी हो जाएगा, कितना हो जाएगा डी सी अपॉन ही हो जाएगा डी टी, यहाँ पे आएगा कितना 2π हो जाएगा, और डी सी अपॉन ध्यान डी आर अपॉन डी टी कितना दे रखा है 0.7 दे रखा है। ठीक है, तो 0.7 यहाँ पे आ जाएगा सेंटीमीटर, यूनिट अभी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, लास्ट में लिखेंगे। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई से करेंगे कितना आएगा 1.4 आ जाएगा, यहाँ पे आपका पाई चल रहा है और यहाँ कितना चल रहा है डी सी बाई डी टी चल रहा है। लेकिन आगे भी कुछ बोला गया क्या, जब रेडियस कितनी हो 4.9 हो तब उसको वृद्धि की आपको बतानी है। ठीक है, लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिए क्या इसमें आर आया है, जब यहाँ पे कहीं ना कहीं जब आपका आर होगा तभी आप उस आर को रख सकते हैं, लेकिन आया नहीं तो हम रखें क्यों, क्योंकि ये बस केवल ऐसे ही दिया हुआ है। अभी यहाँ से एरिया पूछता, एरिया में कितना होता है, एरिया में होता है आपका पाई आर स्क्वायर, जब इसका करता तो कहीं ना कहीं आर आपका फिर से बनता, क्योंकि हम जब डिफ्रेंशिएशन करते कितना आता 2πr आता, डी आर बाई डी टी हो जाता, डी आर बाई डी टी की जगह तो मैं ये रख देता एरिया में, लेकिन ये जो आर होता है इसमें रखना पड़ता। लेकिन यहाँ पे आर तो आया है लेकिन इसमें कहीं ना कहीं आर नहीं आया, इस वजह से हम नहीं रख पाएंगे, हमको तो चाहिए था कि परिधि में चेंज, हमने निकाल लिया। अब बताइए यूनिट क्या होगी, बिल्कुल क्लियर करूँगा, लेकिन जब तक आप पूछेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको करना क्या, नॉर्मल सा फ़ोन उठाना है, तुरंत आपको दिए गए नंबर पर कॉल करना है, सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर कर लेना है ना, कि जब लगातार चीज़ें क्लियर करते जाएंगे तो आगे पढ़ने में भी मज़ा आएगा, दो चीज़ें छूट जाएंगी, दूसरी समझ में आएगी, तीसरी भी समझ में आने वाली नहीं है। तो आपको अच्छे से प्रॉपर चीजें क्या है अपने आप को मेंटेन रखना है, कोई भी पोर्शन नहीं समझ में आता है देन सर से समझना है, बस वीडियो दोबारा देखो, नहीं वहां भी नहीं आ रहा तो देन सर से समझना है। ठीक, तो ऐसे ही चलाते रहेंगे चीजें बहुत क्लियर रहेंगी। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नंबर आपका 7 लिखा है क्या, एक आयत की लंबाई एक्स 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से क्या घट रही है और चौड़ाई वाई 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। मैंने आपसे कहा था घट रही मतलब वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव आएगी, बढ़ रही मतलब क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। जब x बराबर 8 सेंटीमीटर और y बराबर 6 सेंटीमीटर हैं तब आयत के परिमाप और क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर निकालनी है। ठीक है, अब सवाल ये होता है सर किसकी रिस्पेक्ट में क्या काम करना है, तो यहाँ ध्यान से देखिए क्या दिखा रहा है, 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट, यानी कि यहाँ मिनट यानी कि टाइम आया, जो टाइम आता मतलब टी की रिस्पेक्ट में काम करेंगे। जब इसकी लंबाई थी इतनी दर से क्या रही घट रही, दर की बात हो रहा है यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर आ जाएगा, तो यहाँ पे लेंथ है तो डी एक्स हो जाएगा, एक्स लंबाई, दर मतलब यहाँ पे डी एक्स बाई डी टी आपको गिवन था कितना 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट, क्या हो रहा है घट रहा है मतलब ये आएगा माइनस, अभी ये बढ़ रहा होता मतलब आता क्या प्लस आता। और उसी तरह यहाँ पे क्या देखा जो चौड़ाई दे रखी वाई वो 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की तरफ से क्या हो रही बढ़ रही है, बढ़ रही है मतलब क्या डी वी वाई जो डी टी आपको दे रखा कितना वो 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट। अब यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि यहाँ
टी क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप फोन में टाइम था इसलिए आप फोन में टी आया है, और यहाँ लेंथ था इसलिए यहाँ पे सेंटीमीटर आया। ठीक, इतना आपको यहाँ पे गिवेन है, तो यहाँ साफ साफ लिख देते हैं क्या दिया है, है ना। अब हमको क्या पूछा गया है, हमको पूछा गया है कि हमको उसका परिमाप, यानी कि पहला निकालना है, परिमाप निकालना है। तो आपको पता है आयत का परिमाप क्या होता है, मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था, क्या होता है, टू होता है, ब्रैकेट में होता है एल प्लस बी, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई, लेकिन यहाँ लंबाई एक्स दे रखी है, चौड़ाई वाई दे रखी है, तो यह क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई हो जाएगा। तो परिमाप को हम लिखते हैं पी, यहाँ पे टू आएगा, ये आपको हो जाएगा कितना, एक्स प्लस वाई हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बात इतनी समझ आई होगी। अब किसकी रिस्पेक्ट में करें, सिंपल सी बात, जब टी की रिस्पेक्ट में यहाँ दे रखा है, सर इसको भी टी की रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, चलिए कर दीजिए। यहाँ कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा डी पी अपॉन डी टी आएगा, टू आपका जो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, एक्स का करेंगे कितना आ जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा, वाई कितना हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी टी हो जाएगा। ठीक है, तो टू को ऐसे रखते हैं, एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस फाइव है वो रखा, डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू माइनस फाइव है, डी वाई बाई डी टी की वैल्यू कितनी है, फोर है वो राइट किया। अब यहाँ पर टू तो ऐसे लिखा, माइनस पाँच में से एक जाएगा या चार जाएगा, माइनस का एक बचेगा, और मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, माइनस का दो आएगा। अब यहाँ पे यूनिट लिखना भी है, आपको पता है परिमाप, परिमाप मतलब क्या, सेंटीमीटर ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ सेंटीमीटर आएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, टाइम यानी कि यहाँ पे सेकंड नहीं होगा, मिनट, क्योंकि क्वेश्चन जो दे रखा था मिनट में दे रखा था, इसी वजह से मिनट में रहेगा। तो परिमाप में क्या हो रहा है, परिमाप बढ़ रहा है कि घट रहा है। अब यहाँ पे निगेटिव आया, इसका मतलब परिमाप यहाँ पे घट रहा है। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखें, निगेटिव मतलब घट रहा है, पॉजिटिव मतलब बढ़ रहा है। लिख दिया क्या, आयत के परिमाप में माइनस दो सेंटी आयत के जो परिमाप है माइनस दो सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रहा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह सेकेंड में क्या निकालना है, हमको निकालना है क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखते हैं क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है आपका, आयत का लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि क्षेत्रफल को सर हम लिखते हैं एल से, लंबाई कितनी थी एक्स, चौड़ाई कितनी थी वाई हो जाएगा। अब यहाँ सर इसको भी सर टी के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि जब टोटल सब कुछ टी दे रखा है, तो यहाँ हो जाएगा डी ए बाई डी टी हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या था, टर्म आपके प्लस के साथ ऐड थे, लेकिन यहाँ पे क्या, यहाँ पे मल्टीप्लाई में, यानी यहाँ गुणन विधि लगेगी, और गुणन विधि कब लगेगी, जब एक्स को रोकेंगे, वाई करेंगे कितना आएगा, डी वाई बाई डी टी आएगा प्लस का, और यहाँ पे वाई को रोकेंगे, एक्स करेंगे कितना आ जाएगा, डी एक्स बाई डी टी आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका रहेगा कितना, डी ए बाई डी टी रहेगा इक्वल टू एक्स, जैसे है वैसे रखा हमने। ठीक है, अब यहाँ डी वाई बाई डी टी कितना है, डी वाई बाई डी टी आपका फोर है, तो एक्स डी वाई फोर लिख देंगे इधर। ठीक है, यहाँ लगाया प्लस था, प्लस ही चलो अभी लगा देते हैं, कोई साइन नहीं लगाते, बाद में पता चल जाएगा। वाई कितना है आपका, वाई तो भैया वाई है, लेकिन डी एक्स बाई डी टी कितना रखा, माइनस फाइव, तो प्लस माइनस कितना आएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ फाइव हो जाएगा। ये तो आया फोर एक्स माइनस फाइव वाई आया, लेकिन पर्टिकुलर कंडीशन भी दे रखी, क्या एक्स की वैल्यू कितनी हो, आठ हो, वाई की वैल्यू कितनी हो, छः हो। तो यहाँ पर निकालेंगे कितना, डी ए अपॉन डी टी, ये आ जाएगा कितना, एक्स बराबर कितना हो जाएगा आठ, और y बराबर कितना हो जाएगा छः, हमको निकालना है यहाँ कितना हो जाएगा फोर, x जगह आठ रखेंगे फाइव, ऐसे y की जगह कितना रखेंगे छः रखेंगे, कितना हो जाएगा आठ चौक बत्तीस माइनस का तीस हो जाएगा, यानी कि दो आ जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है, जो एरिया है आपका वो क्या हो रहा है, दो। अब यहाँ पे एरिया मतलब क्या हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, और टाइम कितना है, मिनट है यहाँ पे। तो एरिया कैसा आया, पॉजिटिव आया, इसका मतलब उस आयत का जो क्षेत्रफल है वो दो सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बात समझ में आई, तो यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं सारी चीज़ें अब आपके दिमाग में बैठ रही होंगी, कैसे सर क्या यूज कर रहे हैं, है ना। इसी तरह भी जो आगे और क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। बस लगातार आपको क्या पॉइंट टू पॉइंट समझना है, अपने अकॉर्डिंग काम करना है कि हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, ये भी चीज़ आपको थोड़ा सा माइंड में रखना है। अगर ये सवाल नहीं आता है आपको समझ में क्यों नहीं हो सकता, देन आप तुरंत कॉन्टेक्ट करिएगा, चीज़ें बिल्कुल क्लियर कर जाएंगी। लेकिन आपको गिव अप नहीं करना, यानी कि छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। पॉइंट्स मेरा समझिएगा, ठीक है, मैथमेटिक्स जरूरी नहीं कि आपको पहले ही बार में आ जाए, एक बार पढ़िए, दो बार पढ़िए, यहाँ तक कि लोग क्या कहते हैं पांच पांच बार पढ़ते हैं, लेकिन इतनी ऐसी नौबत नहीं आएगी आपको, खाली दो बार पढ़िएगा चीज़ समझ में नहीं आएगा, देन आप हमसे कॉन्टेक्ट करिएगा, बिल्कुल आपको मैथमेटिक्स में हीरो बना दूंगा मैं। ठीक है, लेकिन आपको उसके लिए थोड़ा सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर एट लिखा है क्या, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है। ठीक है, गोलाकार मतलब स्फीयर की बात हो रही है, मैंने आपको गोले का आयतन, संपूर्ण पृष्ठ, वक्र सब हमने बताया। ठीक है, तो इसीलिए कहा था आपको फॉर्मूले को माइंड रखना, कुछ भी कहीं भी आ सकता है।
तो एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड भर कर फुलाया जाता है, यानी कि एक गुब्बारा है उसके अंदर 900 सेंटीमीटर क्यूब जो गैस है वो भरकर उसको फुलाया जाता है। गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात करिए जबकि त्रिज्या कितनी हो 15 सेंटीमीटर हो। अब यहाँ पर क्या दिया है, अब आपको पता है यहाँ सेंटीमीटर क्यूब, तो सेंटीमीटर क्यूब किस में आता है भैया, एरिया में तो स्क्वायर आता है, नॉर्मल में सेंटीमीटर आता है, लेकिन जब आयतन की हम बात करते हैं यानी कि लंबाई गुणे जब चौड़ाई की हम बात करते हैं वहीं पे क्या आता है, वहीं पे आपका सेंटीमीटर को यानी कि आयतन में ही आता है। तो यहाँ पे क्या गोले की बात हो रही है, इसका मतलब ये जो दे रखा है किसका, गोले का आयतन ही तो दे रखा है। बात समझ रहे हैं मेरी, बिल्कुल उम्मीद करते समझ रहे होंगे, यानी कि यहाँ कितना दे रखा है, यहाँ पे आयतन दे रखा है और आयतन किसकी रिस्पेक्ट में है, ध्यान से देखिए, प्रति सेकेंड यानी कि टी की रिस्पेक्ट में है, ठीक है। तो कितना दे रखा है 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड, ये इतनी बात यहाँ पे गिवन थी, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, हमको त्रिज्या के परिवर्तन की दर यानी कि त्रिज्या मतलब आर है परिवर्तन निकालना है, ये टी में है तो सर ये भी टी में निकालना पड़ेगा, ये हमको निकालना है, ठीक है। और किसके अकॉर्डिंग निकालना है, जब त्रिज्या यानी कि रेडियस कितनी हो, जब रेडियस आपकी 15 सेंटीमीटर हो हमको निकालना है। जब हम इसका कुछ ना कुछ करेंगे वहाँ पे लास्ट में आर मिलेगा तो वहाँ 15 रखा जाएगा, जब आर ही नहीं होगा तो 15 क्यों रखेंगे, अभी जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, ठीक है। जब चीज़ें होंगी तो वहाँ रखा जाएगा, नहीं होगी तो उसको वहीं छोड़ दिया जाएगा। बात समझ रहे हैं, ठीक है। इसी तरह अब देखिए थोड़ा सा उसमें क्या करेंगे, अब हमको यहाँ पे क्या लेके चलना पड़ा, कैसे निकालना पड़ा, हमको पता है गोले का आयतन कितना होता है, गोले का आयतन होता है सर 4/3 होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अब नॉर्मल से आपको पता है यहाँ पे सर टी है तो इसको भी टी के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना dv/dt हो जाएगा इक्वल टू 4/3 हो जाएगा, यहाँ पाई रहेगा और आर का करेंगे कितना आएगा, पहले 3r² आएगा, फिर से आर करेंगे dr/ कितना हो जाएगा, ये आपका dt हो जाएगा। अब देखिए इस तीन से ये तीन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर कितना बचेगा यहाँ पे 4r² dr/dt हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा dv/dt आएगा, हमको निकालना क्या, हमको तो निकालना dr/dt, तो आपको पता है dv/dt कितना दे रखा है, 900 दे रखा है, यहाँ पे आ जाएगा 900 आ जाएगा, ठीक है। और ये चीज़ कहाँ आएगी, नीचे आ जाएगी, यहाँ आ जाएगा कितना 4r² इक्वल टू कितना हो जाएगा dr/dt हो जाएगा। अब आपको अब बोला गया था क्या कि आर कितना हो जाए 15, जब आर 15 हो तो इसमें परिवर्तन हमको चाहिए, तो आर यहाँ पे दिख रहा है इसका मतलब रखना पड़ेगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पे नॉर्मल काम करेंगे dr/ या आपका dt हो जाएगा इक्वल टू 900/ में कितना हो जाएगा, यहाँ 4π है तो 4π ऐसे रखेंगे, और आर कितना है 15, 15 का स्क्वायर करेंगे कितना आता है 225 आता है, ठीक है। और 225 को जब 900 से भाग देंगे तो ये 4 में जाएगा, और 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आएगा 1/π हो जाएगा, और यहाँ कितना चल रहा है dr/dt चल रहा है। अब यहाँ पे हम रखेंगे क्या, यूनिट रखेंगे, यूनिट क्या होगी, आर का मतलब क्या होगा सेंटीमीटर में बात हो रही तो सेंटीमीटर हो जाएगा, टाइम कितना था सेकेंड था तो यहाँ पे सेकेंड हो जाएगा। तो यही परिवर्तन होगा किसमें, रेडियस में, जब त्रिज्या कितनी होगी 15 सेंटीमीटर होगी। तो कोई भी क्वेश्चन हो कैसा भी क्यों हो, अब बस आपको ये चीज़ आइडिया है कि हमको सर ये दिया है, हमको ये निकालना है, ये पुट करना है, आराम से हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ें क्या आएंगी, जब आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे, और जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे चीज़ें बिल्कुल क्लियर होती रहेंगी। तो उम्मीद कर रहे हैं चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे समझ आ रही होगी। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 लिखा, क्या एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है, सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश, ठीक है, दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर/सेकंड की दर से खींचा जाता है, दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है जबकि सीढ़ी का नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है। अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है, इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, यानी कि हमको यहाँ पे उसकी ऊंचाई में परिवर्तन चाहिए, और घट रही मतलब क्या है, जो परिवर्तन आएगा किसमें आएगा, निगेटिव आना चाहिए, क्योंकि घट रही है, बढ़ रही होती है मतलब क्या होता, पॉजिटिव आता। या कहते हैं कि क्या परिवर्तन हो सकता है, तो उसमें कुछ भी हो सकता है पॉजिटिव निगेटिव, लेकिन यहाँ पर आया है क्या, घट रही मतलब क्या, निगेटिव आएगा ही आएगा। लेकिन अब ये कुछ समझ में नहीं आया सर, इसमें क्या बोला जा रहा है, क्या करना है, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे ग्राफ यानी कि डायग्राम बनाऊंगा, फिर उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। मैंने यहाँ पे डायग्राम प्रॉपर बनाया, आप समझिएगा, ये जो है ये क्या, ये आपकी दीवार की लंबाई है, ठीक है, तो ये दीवार की क्या हो गई, ऊंचाई हो गई। अब यहाँ पे ये जो दीवार पे क्या, ये सीढ़ी लगी हुई है,
ठीक। अब बोला क्या है, जब दीवार पे सीढ़ी लगी हुई है तो इस यहाँ पे जो नीचे की तरह क्या ये आपका बढ़ाया जाता है। बोला क्या गया, बोला गया है 5 सेंटीमीटर दीवार के सारे झुकी, यानी कि सीढ़ी जो है 5 सेंटीमीटर की है वो दीवार के सारे रखो यहाँ पे झुकी हुई है। जमीन के अनुदिश यानी कि जमीन के यानी जमीन की दिशा की बात कर रहा है, दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर दर से खींचा जाता है, यानी कि प्रॉपर जो सीढ़ी है इसको इधर खींचा जाता है, यानी कि सीढ़ी यहाँ पे लगी हुई है जमीन की दिशा में इसको खींचा जाता है, ये कहीं ना कहीं यहाँ पे घटेगा ही, क्योंकि जब हम इसको बढ़ाएंगे तो ये पोर्शन कहीं ना कहीं नीचे आएगा। तो वही बोला जा रहा है कि ये जो ऊंचाई में जो परिवर्तन हो रहा है, जो ऊंचाई घट रही है वो किस दर से घट रही है ये हमको बताना है। कब बताना है, जब इसकी दीवार से जब इसकी दूरी कितनी हो 4 सेंटीमीटर, यानी कि एक्स कहीं ना कहीं आपको कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर दे रखा है। लेकिन यहाँ पे क्या बात बोली गई, यहाँ बात बोली गई है कि यहाँ लिख लेंगे सबसे पहले क्या लेट कर लेते हैं, यानी कि माना ए बी बराबर कितना है 5, ठीक है, सीढ़ी की लंबाई है तथा दीवार की ऊंचाई वाई है, ठीक है, दीवार की ऊंचाई है। अब हमको इसकी ऊंचाई में परिवर्तन चाहिए, अब यानी कि वाई में परिवर्तन निकालना मतलब क्या, डी वाई बाई डी टी करना पड़ेगा। डी टी क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ समय परिवर्तन हो रहा है, यानी कि समय के सापेक्ष हो रहा है, तो यहाँ भी काम समय के सापेक्ष ही करना पड़ेगा। तो हमको यहाँ क्या, दीवार से दूर, अब समझिएगा दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर प्रतिदर्शक खींचा जाता है। अब खींच तो हम यही रहे होंगे ना, क्योंकि जो हमने यहाँ x लिया ये तो खींच रहे होंगे, जब इसकी में परिवर्तन यहाँ पे दे रखा है, यानी क्या दे रखा है dx अपॉन यहाँ पे dt गिवन है, कितना दे गिवन है 2 है, सेंटीमीटर है और टाइम सेकंड था, इसलिए यहाँ पे हमने t लिया, तो ये चीज़ यहाँ पे इतनी गिवन थी, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप नॉर्मल से लिखेंगे क्या, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ए बी सी में, यानी कि हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्या होता है ये स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी कहने का मतलब क्या है कि आधार का जो स्क्वायर होता है और जो लंब का स्क्वायर होता है उन दोनों का जो योग होता है वो हमेशा कर्ण के स्क्वायर का क्या होता है बराबर होता है। इसको हम नाम दे देते हैं क्या, समीकरण 1 नाम दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमको x की वैल्यू तो यहाँ साफ साफ गिवन क्या, नीचे का सिरा दीवार से कितना 4 सेंटीमीटर दूर है, यानी कि नीचे का सिरा दीवार से कितना 4 सेंटीमीटर दूर है, यानी x की वैल्यू कितनी 4 दे रखी है आपको। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 4, यहाँ लिखेंगे जब x बराबर 4, जब x को 4 रखेंगे तो यहाँ 16 हो जाएगा, प्लस के यहाँ वाई स्क्वायर आएगा और यहाँ पर आ जाएगा 25 आ जाएगा, तो ये वाई स्क्वायर वैल्यू कितना हो जाएगा 25 माइनस का 16 आ जाएगा, तो यहाँ से y स्क्वायर कितना आ जाएगा, y स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 9 आ जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी निकल आएगी प्लस माइनस यहाँ पे 3 निकलेगा, ठीक है। लेकिन ऊंचाई की यहाँ बात हो रही है तो ऊंचाई कितना होगा, ऊंचाई आपका पॉजिटिव लिया जाएगा, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ पे 3 आ जाएगी, ठीक है, ऊंचाई आपका पॉजिटिव रहेगी, लेकिन परिवर्तन जो भी होगा वो निकाला जाएगा। तो y कितना लिया हमने 3 लिया, y मिल गया, x मिल गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे क्या समीकरण 1 से, क्योंकि हमको ऊंचाई में परिवर्तन चाहिए ना कि हमको ऊंचाई चाहिए, ऊंचाई में परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन करने के लिए क्या मतलब डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे क्या समीकरण 1 से, समीकरण 1 में हम लोग क्या करेंगे डिफ्रेंसिएशन करेंगे, एक्स स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, यहाँ पे सर 2x होगा, ये आपका आएगा dx अपॉन dt आएगा, प्लस लगाया वाई का करेंगे कितना आएगा 2y आएगा, फिर यहाँ हो जाएगा कितना डी वाई बाई डी टी हो जाएगा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 2 देखो यहाँ पर, तो इसको हम क्या करेंगे 2y डी वाई बाई डी टी हमको निकाला, जिसको हमने इधर रखा, ये सब चीज़ उधर भेज देंगे, तो माइनस का 2x डी एक्स वाई कितना हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा डी टी, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमको डी वाई बाई डी टी निकाला, तो हमने यहाँ रखा क्या डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू यहाँ माइनस का x, x की वैल्यू कितनी है 4 रखा, ये y कहाँ जाएगा नीचे, और y की वैल्यू कितनी थी, y की वैल्यू आपकी 3 थी, तो यहाँ पे हमने 3 रख दिया, और dx अपॉन dt कितना दे रखा था, वो dx अपॉन dt यहाँ पे 2 दे रखा, तो यहाँ कितना आएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा इधर देख लीजिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा dy वाई बाई डी टी इक्वल टू माइनस का 4 × 2 = 8 हो जाएगा, 8/3, और y मतलब क्या सेंटीमीटर में ही है, ठीक है, सेंटीमीटर में ही है, और यहाँ पे कितना आएगा, और यहाँ टाइम यानी कि सेकंड, तो देखो मैंने कहा था घट रही मतलब क्या आएगा निगेटिव आएगा, देखो यहाँ पे घट भी रही थी इसलिए यहाँ पे क्या आया निगेटिव आया, यानी कि जो ऊंचाई होगी वो 8/3 माइनस का सेंटीमीटर प्रति सेकंड से घट रही होगी, ठीक है। तो यही चीज़ आपको निकालनी है। अब सवाल उठता है सर इसमें थोड़ा सा चीज़ दिक्कत वाली है,
दिक्कत वाली ये है कि चीज़ समझ नहीं है, तो उसके याद रखिएगा जो सेम प्रोसीजर कहा गया उसके अकॉर्डिंग काम करिएगा, चीज़ें क्लियर। अभी यहाँ पे बोलता क्या इसके बारे में परिवर्तन हमको चाहिए, तो हमको ये कहीं ना कहीं यहाँ पे मेंशन होता आपका उसकी ऊंचाई में परिवर्तन दिया जाता, तो हमको बोलता क्या हम उसको कितनी उधर से खींच रहे हैं या बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ हमेशा बढ़ाते क्योंकि जब इसको हम इधर खींचेंगे तो ये वैल्यू बढ़ेगी ना, तो इसमें आपको हमेशा बोलता क्या इसमें बोलता है कि यानी कि जो इसकी जो दूरी है, ठीक है, यानी कि क्या सीढ़ी और दीवार की जो दूरी है वो कितनी दर से बढ़ रही है, क्योंकि हम बढ़ाएंगे जिससे ये घट रहा था, इस तरह क्वेश्चन बन सकता है। तो अपने अकॉर्डिंग उसको बदलने की कोशिश करिएगा, सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी, ठीक है। तो एक बार मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से और समझिएगा, चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी, ऐसा कुछ इसमें क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन जब स्टार्टिंग में आप अकेले पढ़ेंगे अपने आप से थोड़ा सा दिक्कत होगी, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर आपका 11 दे रखा है, क्या एक कर्ण वक्र 6y + = x³ + 2 की अनुगत गति कर रहा है, ठीक है। वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि एक्स निर्देशांक की तुलना में वाई निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है, ठीक है। तो मेन स्टेटमेंट है ये, इसको आपने समझ लिया मतलब चीज़ें बिल्कुल क्लियर, ठीक है। ये स्टेटमेंट यहाँ आपको दिखने को मिलेगी और इसी तरह के स्टेटमेंट आपको प्रॉपर मैक्सिमम मिनिमम जाएंगे या टेंजेंट नॉर्मल पढ़ेंगे वहाँ भी देखने को मिलेगी। जो लॉजिक आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ वही लॉजिक आपको वहाँ एक बार रिपीट करूँगा, लेकिन आप पहले से लगा लेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला कि एक्स निर्देशांक की तुलना में, जब एक्स निर्देशांक की बात करें, ठीक है, जब एक्स अक्ष की बात ना करें एक्स निर्देशांक की बात करें, तो हमेशा आपको क्या लेना है dx/dt लेना है। वाई निर्देशांक की बात कर रहा है मतलब dy/dt लेना ही लेना, ये कई जगह यूज होगा तो आप हमेशा माइंड में रखिएगा। क्या बोला गया है यहां पे, क्या दिया है, यहां दिया है कि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक क्या है 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। सबसे पहले यहां मैं लिखता हूं सॉल्यूशन, देन मैं यहां पे लिखता हूं जो आपको दिया हुआ यानी कि जो गिवन है, ठीक है। तो यहां दिया है, क्या दिया है भैया, एक्स निर्देशांक की तुलना में वाई निर्देशांक क्या है 8 गुना है, यानी कहने का मतलब है कि एक्स एक है तो वाई कितना होगा 8 होगा, एक्स दो है वाई कितना होगा 8 गुना यानी कि 16 होगा, एक्स तीन है वाई कितना होगा 24 होगा यानी कि 8 गुना होगा, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब है कि वाई बराबर यहाँ पे क्या dy/dx जो dx होगा वो क्या है 8 गुना है dx/dt के। अब सर ये बात तो समझ में नहीं आई, यानी कि dx/dt एक होगा तो y कितनी dy/dt कितना होगा 8 ही तो होगा, तो जब इसकी जगह हम एक रखेंगे तो इसकी वैल्यू 8 आएगी, जब ये 2 होगा तो ये y कितना होगा 16 होगा, ये तो बताया था, ये तो चीज़ तो आएगी, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखा हमने। अब क्या बोला गया, अब बोला गया जो वक्र है उस पर कोई बिंदु है, उन बिंदुओं को हमको निकालना है, बिल्कुल निकाल लिया जाएगा। यहाँ वक्र जो दे रखा है कितना 6y = x³ + 2, अब डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, जब यहाँ करें कितना आएगा 6dy/dt यहाँ कितना आ जाएगा dt आ जाएगा = 3x² यहाँ पे आ जाएगा कितना dx/dt हो जाएगा प्लस कांस्टेंट का कितना होता है 0, उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, ये आपकी हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी एंड इक्वेशन ये हमने बना दी सेकेंड। अब देखिए यहाँ पे क्या dy/dt की जगह यहाँ पे क्या मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यहाँ लिखूँगा मैं क्या समीकरण 1 व 2 से कितना हो जाएगा 6, तो आप कैसे रहेगा dy/dt की जगह कितना हो जाएगा 8dx/ यहाँ पे dt हो जाएगा = लगाया बाकी चल रहा कितना 3x² dx/dt। थोड़ा सा ध्यान देखिए dx/dt से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से ये जाएगा 2 बार में, तो यहाँ कितना आएगा x² = आ जाएगा 16, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी √16 आ जाएगी, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी ±4 आएगा। जब x की वैल्यू 2 आई तो y भी 2 मिलेगा, तो यहाँ लिखेंगे क्या x = 4 वक्र में रखने पर हमको पॉइंट चाहिए मतलब हमको सिंपल से इक्वेशन रखना पड़ेगा, ना हम यहाँ रख सकते हैं ना हम यहाँ रख सकते हैं, हमको इसमें रखना पड़ेगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे 6y हो जाएगा, x = 4 रख रहे हैं, 4 का क्यूब 4 चौक 16 चौक 64 होता है प्लस का 2 यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 18, यहाँ पर आ जाएगा 6y कैंसिल आउट हो जाएगा 3 बार में, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, यानी कि जब 4 लिया तो 3 आया, तो यहाँ लिखेंगे x = -4 वक्र में रखने पर। मैंने कहा था जितनी वैल्यू आए सबका कुछ ना कुछ मतलब होता है, सब आपको निकालना है, आपकी बुक में आंसर 1 दे रखा हो 2 दे रखा हो मैटर नहीं करता, क्योंकि आपकी जो कॉपी जाएगी वो एग्जामिनर के पास जाएगी, एग्जामिनर ये नहीं सोचेगा कि NCERT या इस बुक में इतना ही आंसर दे रखा है तो इतना ही सही है, वो तो अपने हिसाब से चेक करेगा ना कितने पॉइंट निकाले आपने कितने निकाले, आपने तो बुक में देख के एक ही निकाल दिया,
लेकिन वहाँ तो निकालने कितने हैं, जितने हैं उतने, तो आपको सारा काम करना है, आपके बुक में कुछ भी दिया हो कोई मैटर जरूरी नहीं, क्या पता दोनों हो, है ना, तो वो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन जितना आपको सिखाया जा रहा है आप उतने में वर्क करिए, ज़्यादा बेटर है। चलिए वक्र में रखने पर, अब देखिए जब यहाँ रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6y, तो आपका ऐसे रहेगा, ये रखेंगे -4 क्यों, अब दिशा में तो माइनस तो आएगा ही आएगा, और क्या आएगा 64 भी आएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, यहाँ आएगा 62, यहाँ पर आ जाएगा 6y, वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 62/6 आएगा, ये दो से कटेगा, ये 31 में ये आ जाएगा 3, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 31/3, यानी कि -4 रखा तो माइनस का 31/3 आ गया। तो यहाँ लिख दीजिएगा क्या, अभीष्ट बिंदु कितना है, पहले 4 रखा तो वाई 3 मिला, क्योंकि पहले एक्स लिखते हैं बाद में वाई लिखते हैं, तथा फिर -4 रखा कितना मिला 31/3 ये मिला है, है ना। तो उम्मीद करें सीरीज बिल्कुल समझ आ रही होगी, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन आज हमने किए सारे क्वेश्चन आपके उसके अकॉर्डिंग आप मार्क्स में यानी पेपर में आपके आते हैं, छोटा क्वेश्चन हुआ तो 2 मार्क्स का, बड़ा हुआ तो मतलब 5 मार्क्स का, तो जिससे क्वेश्चन नंबर जो 10 कराया था वो कई बार आपके 5 मार्क्स में क्वेश्चन देखा गया है, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, चीज़ें समझिएगा, नहीं समझ में आ रहा देन आप हमको फॉरवर्ड करिएगा या कॉल करिएगा, जैसा भी हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहें कॉल करिए, चीज़ें बिल्कुल क्लियर करी जाएगी, ऐसा कोई नहीं होगा कि मतलब आपको आधे में छोड़ा जा रहा है, ठीक है। जब तक आपको समझ में ना आए, मैं बार बार ये कई क्लास में बोल चुका हूँ, जब तक आपको समझ में ना आए तब तक आप एक टीचर के पीछे पड़े रहिए, ठीक, जब तक समझ में आए, जिस दिन समझ में आ जाए उस दिन बोल दीजिएगा सर समझ में आ गया कि आप क्लियर है, ठीक है, उसी तभी हटिएगा, वरना आप टीचर को परेशान करते रहिए, मैं आगे से कह रहा हूँ, ठीक है। तो आपको बिल्कुल शर्माना नहीं है, बिल्कुल लग के पढ़ाई करनी है और खूब मेहनत करनी है और अच्छे नंबर लाना है, ठीक है। तो उम्मीद करें सारी चीज़ें बिल्कुल समझ आई होगी। तो इस वीडियो से संबंधित नोट्स प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।